रूस जॉर्जिया बॉर्डर पर लगा सैकड़ों किलोमीटर लंबा जाम विद द विजुअल्स, हजारों लोग रूस छोड़कर जा रहे हैं जॉर्जिया। ये तस्वीरें देखिए, फौज के मोबिलाइजेशन की वजह से रूस छोड़कर जा रहे हैं लोग। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। आशीष से एक शार्प रिएक्शन लूंगा। आशीष, एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट जो मेरे सामने आया है वो ये है कि इस मोबिलाइजेशन में रूस के इंटीरियर्स के लोगों को लिया जा रहा है, बारिंग मॉस्को जहां पर प्रदर्शन चल रहा है, बारिंग सेंट पीटर्सबर्ग जहां पर भी प्रदर्शन चल रहा है इन द फेवर ऑफ पुतिन। रूरल एरिया पर काफी ज्यादा टारगेट है ये एक्सपेक्ट करते हुए कि शायद वहां पर रेजिस्टेंस कम होगा या फिर वहां से आसान होता है पैरामिलिट्री या फिर सोल्जर्स को रिक्रूट करना। लेकिन देखिए, दोनों बातें सही हैं निशान, कि कुछ लोगों में डर है कि वो जा रहे हैं छोड़ के, लेकिन ये टेम्पोररी फिनोमिना है। यही फिनोमिना हमने पोलैंड में भी देखा था, यूक्रेन से भी देखा था। दो महीने बाद लोग वापस चले गए यूक्रेन, अभी जो कि ऑलरेडी स्टेट ऑफ वॉर में ऑलरेडी एंगेज है। सो ये एक टेम्पोररी फिनोमिना है, इसका इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए या फिर ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन के डिसीजन ऑफ मोबिलाइजेशन में किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं है। कुछ लोगों को ऑब्वियसली डर होगा कि मुझे बुलाया जा सकता है, मेरे परिवार में बुलाया जा सकता है या फिर एरिया स्पेसिफिक मोबिलाइजेशन हो सकता है, इस तरह की चीज़ें होंगी। लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म है? बिल्कुल नहीं। क्या ये टेम्पोररी फिनोमिना है? कुछ दिनों के लिए ही फिनोमिना है। ये सब लोग आपको वापस आते हुए भी दिखाई दे देंगे जब रेफरेंडम कंप्लीट हो जाएगा। द इशू हियर इज निशान कि क्या वेस्ट, क्या यूरोपीय यूनियन, क्या नेटो उस इन रेफरेंडम के दौरान किसी तरह का इंटरफेरेंस या सपोर्ट कर पाएगा यूक्रेन को? आशीष, पॉइंट टेकन, यू मेड अ वेरी वैलिड पॉइंट। लेकिन मैं शो में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं एक बहुत ही लेजेंडरी एनालिस्ट को। जब टीवी पर इंटरनेशनल अफेयर्स बहुत कम चर्चा में होता था, उस जमाने में इनकी आवाज बुलंद थी और आज भी बुलंद है। मेरे साथ कमर आगा सर ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे आपसे बहुत कुछ पूछना है आज, ईरान को लेकर भी। और दीपक सर इज क्लैपिंग राइट नाउ। थैंक यू दीपक सर, यू आर सच एन एनकरेजमेंट। वेल, आई टेक द लिबर्टी टू से दैट आई रियली लव यू।